और मीडिया ने मेरे द्वारा वो मैसेज दे दिया है। पर आपको नहीं लगता आपके इस बयान से देश में जो है हिंसा और तनाव का माहौल बनेगा? आपको ऐसा नहीं लगता कि गोधरा के रेलवे स्टेशन पर 57 राम भक्तों को जिंदा जलाने से तनाव बनेगा? आपको नहीं लगता है कि मुजफ्फरनगर में एक जाट की बेटी के दामन पर हाथ डालने से और बाद में उसके भाइयों के 100-100 टुकड़े करने से तनाव बढ़ेगा? आपको नहीं लगता है कि शांतिप्रिय अहिंसक अमरनाथ यात्री जाते हैं उन पर हमला करके उनके खाने की व्यवस्था जलाने से तनाव नहीं बनेगा? नहीं लगता है क्या? हिंदू आह लेता है तो तनाव बनता है, हिंदू सोता है तो तनाव बनता है, हिंदू पेशाब करता है तो तनाव बनता है, हिंदू खाता है तो तनाव बनता है, और वह हमारी बहन बेटियों के दामन पर हाथ डालता है, 57 राम भक्तों को जिंदा जलाता है तो तनाव नहीं बनता है? कौन सी मानसिकता से जी रहे हो?